श्री नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। माँ गुप्त काली, काली माता का एक स्वरूप जो कि अत्यंत गुप्त है और उनकी शक्तियाँ भी गुप्त हैं। मूल रूप से भगवती दक्षिणा है और श्मशानवासी है। इनकी साधना दो चरण में होती है। पहला चरण श्मशान में होता है, वो एक रात्रि की साधना है, और एक बार श्मशान में होने के बाद उसको फिर से घर पर या फिर धर्मालय में, जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ करना होता है। इस साधना में सर्वप्रथम आपको श्मशान जाना होगा, ठीक है। पहला विधान मैं अभी बता रहा हूँ। श्मशान जा कर के किसी चिता से आपको एक हड्डी लेनी होगी, और उसके बाद स्नान करके श्मशान में ही सवा हाथ जमीन के अंदर उस हड्डी को गाड़ देंगे, और उसके ऊपर से भैंस के गोबर से उसको लीप करके, और फिर दक्षिण मुखी आसन बना लेंगे। वहाँ आप सामने भगवती का यंत्र बनाएंगे, जो भगवती का यंत्र होता है बिंदु, त्रिकोण और अष्टदल से, और फिर उसके बाद चार द्वार बनाए जाते हैं। ये जो यंत्र आपके सामने बनेगा वो बनेगा सिंदूर से, उसमें थोड़ा सा बकरे का रक्त और थोड़ा सा स्वरक्त मिलाइएगा, और उसके बाद इस यंत्र को बनाइएगा। बनाने के बाद आप भगवती का हृदय में ध्यान करिएगा, श्मशानवासी भगवती का, जो कि रत्नासन पर विराजमान है, पैरों के नीचे महादेव हैं, भगवती जीभ निकाली हुई है, रक्त उनके जीभ से टपक रहा है, मुंडमाल पहनी हुई है, अत्यंत भयावह अट्ठास करती हुई भगवती। और उसके बाद जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उसका 3000 जाप करेंगे। मंत्र सुनिए, मंत्र है ओम क्लिम क्लिम क्लिम, ह्रिम ह्रिम ह्रिम, ह्रूम ह्रूम ह्रूम, महाकाली महाबली, गृह गृह, भक्ष्य भक्ष्य स्वाहा, ठीक है। इसका 3000 जाप करेंगे। ऐसा करने से प्रथम चरण आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कभी भी जब काली का पूजा करते हैं तो भैरव को ध्यान और प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। दूसरा चरण आपका शुरू होगा घर में या फिर जिस जगह पर आप साधना करते हैं। ये जब हम साधना करेंगे तो इस साधना के पीछे जो हमारा मूल उद्देश्य होगा वो होगा धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की प्राप्ति। ये आपको सोचना है कि आप किस लिए ये साधना कर रहे हैं। जब आप घर में बैठेंगे तो सबसे पहले आसन का मंत्र पढ़ेंगे, ओम सदाशिव महाप्रेताय गुप्त काल्यासनाय नमः। इतना बोल करके आप आसन विराजमान करेंगे। आसन विराजमान करने के बाद भगवती का आवाहन करेंगे। उससे पहले जो भगवती का यंत्र है, काली यंत्र है, उसको बना लेंगे और दीप जलाते हुए भगवती का आवाहन करेंगे, ओम ह्रिम क्लिम 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 स्वाहा। इस मंत्र से भगवती का आप आवाहन करेंगे। यंत्र तो आप लोगों को बनाना आता होगा कि एक बिंदु बनाया, उसके ऊपर एक त्रिकोण डाला, फिर वृत्त बनाया, फिर अष्टदल बनाया, उसके बाद जो चार द्वार होते हैं उसको और भूपर बनाते हैं, त्रिकोण के बाहर में माया बीज, क्रोध बीज, बायकोण के बीच में काम बीज लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे उनका यंत्र बनाना है सिंदूर से। उसके बाद दीपक रखेंगे, वहाँ पे भैरव और योगिनी का आवाहन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 3000 मंत्र हम लोग जाप करेंगे 9 दिन तक, भगवती का 17 अक्षरी, ठीक है। तो भगवती का जो मंत्र जाप करेंगे वो है
हुम हुम रिम रिम गुप्त कालिके क्रिम क्रिम हुम हुम रिम रिम स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र का 3000 जाप 9 दिनों तक करेंगे। इस मंत्र से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिर्फ अगर किसी एक मनोकामना के लिए आपको साधना करनी है तो क्रिम हुम ह्रिम गुप्ते कालिके क्रिम क्रिम हुम हुम ह्रिम ह्रिम स्वाह, इस मंत्र से आप भगवती का 3000 जाप करेंगे रोज। और सिर्फ भगवती को प्रसन्न करना है तो क्रिम गुप्त कालिके क्रिम स्वाहा। एक मंत्र और है जिससे कि सर्व कामना की प्राप्ति होती है, मतलब किसी अगर आप एक काम के लिए नहीं लेकिन जीवन सुधारने के लिए आप अगर जाप करना चाहते हैं तो क्रिम 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 हुम हुम ह्रिम ह्रिम गुप्त कालिके क्रिम 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 हुम हु ह्रिम ह्रिम स्वाहा, इस मंत्र का 3009 दिन तक आप जाप करेंगे। 9 दिन जाप करने के बाद इसका दशांश हवन करेंगे, मतलब 3000 बार आप इसका हवन करेंगे। इसमें गुल्लर और बेल की लकड़ी होगी और लौंग गूगल और तिल से इसका हवन होगा। भगवती को जो नवेद्य देते हैं उसका भी एक मंत्र होता है, तो उसका मंत्र होगा क्लिम हुम ह्रिम गुप्त कालिके क्लिम क्लिम हुम हुम ह्रिम ह्रिम स्वाहा। ठीक है, और अंत में बलि देना है। बलि अपने हिसाब से आप देंगे। जो बलि का मंत्र है जो अति गुप्त है वो है ओम ह्रिम क्लिम 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 बलि गृही गृही स्वाहा। ओम ह्रिम क्रिम क्लिम 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 बलि गृही गृही स्वाहा। इस साधना को करने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। और जिनको बहुत उत्सुकता है कि वो भगवती का दर्शन करे, ठीक है, वो इसको सिर्फ श्मशान में साधना करें। ठीक है, श्मशान में साधना करके हवन भी श्मशान में करेगा, और जो हवन समिधा उसमें भी गुलर की रहेगी, बेल और मांस को मिला करके हवन होता है उसमें। ठीक है, और उसमें बलि जब आप देंगे तो उसका मंत्र अलग हो जाएगा। उसका मंत्र हो जाएगा ओम क्लिम 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 रिम रिम हुम हुम महाकाली महाबलि गृह गृह भक्षय भक्षय स्वाहा। ठीक है, तो ये उनके लिए जो कि शक्ति को बिल्कुल सामने से देखना चाहते हैं, जिनको उग्र साधना करने के का आदत है और जो भगवती को देख करके अपना स्थान छोड़कर भागे नहीं। माँ भगवती देवी काली का बहुत सारा स्वरूप है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्वरूप हैं जिनको कालांतर में गुप्त किया गया, क्योंकि कलयुग में मनुष्य शारीरिक मानसिक और स्पिरिचुअल तौर पे इतना मजबूत नहीं था कि उन भगवतियों की शक्तियों को बर्दाश्त कर सके। भगवती का एक स्वरूप ऐसा आता है जो कृष्ण काली स्वरूप भी जिसको कहते हैं, वो भगवती का अंतिम स्वरूप माना जाता है। जिसने कृष्ण काली का दर्शन कर लिया वो उसके बाद प्राण छोड़ देता है। जैसे अघोर में भी एक मान्यता है कि जो महादेव का दर्शन कर लेता है, महादेव जब कोई साधना करता है, कोई भी व्यक्ति महाकाल की साधना करता है, तो महादेव पीछे मतलब पीठ के पीछे खड़े होते हैं, वो भगवती या किसी और शक्ति की तरह भैरव शक्ति की तरह सामने दर्शन नहीं देते, क्योंकि महादेव महाकाल है और जिसने काल को देख लिया वो फिर शरीर छोड़ देता है। उसी तरीके से जो कृष्ण काली रूप है काली का, वो जो देख लेता है वो शरीर छोड़ देता है। उसी तरीके से गुप्त काली एक श्मशान की काली है, लेकिन इनकी शक्तियाँ जो आपका जीवन है, जो आपका सामाजिक जीवन है, जो आपका धन से जुड़ा जीवन है, जो आपका ध्यान से जुड़ा जीवन है, और जो आपका जीवन इस शरीर से मुक्त होने के बाद का जीवन है, ये सारे जीवनों में ये भगवती आपको मदद करती हैं। देखो, इस मंत्र का 3000 करके जब आप जाप करते हैं, जब इसका 1.25 लाख के ऊपर जाप हो जाएगा, एक बार में आप 3000 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जब कुल मिला करके कुल आपका 1.25 लाख का जाप हो जाएगा, उसके बाद इसकी शक्तियाँ आपको समझ में आने लगेंगी। और एक बार जब शक्तियाँ समझ में आने लगती हैं
तो फिर भगवती का आभास शुरू होता है। तो प्रत्यक्षीकरण होगा कि नहीं होगा ये साधक के क्षमता पर निर्भर करता है इस साधना में। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना का सिद्धांत समझना है, जैसे आसन बंधन, दिशा बंधन, भैरव, इस तरह का मंत्र, वो मेरे पेड़ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। जिनको अपॉइंटमेंट लेना है www.aghortantrahasya पर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप पर बात करने के लिए rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश आदेश, अलख आदेश, अलख आदेश।